डॉली, अब तो किसी तरीके से हमने बच्चों के स्कूल की फीस भर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे हम बच्चों के स्कूल की फीस भर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस सेशन को कंप्लीट करवा के ना बच्चों को अगले साल से सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। हाँ राजी, यही सही रहेगा। वैसे हमारे कितने सपने थे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों के करियर को लेकर, लेकिन आपके इस एक्सीडेंट ने हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। डॉली, भाग्य के आगे कभी किसी की नहीं चलती। इस भाग्य ने तो मुझे इतना बेबस और लाचार बना दिया है कि मैं अपना काम खुद भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत रहती है। तुम मुझे छोड़कर कहीं नौकरी भी करने नहीं जा सकती हो। हाँ राजीव, ये तो है। माना मैं आपको छोड़ के बाहर कहीं नौकरी नहीं करने जा सकती हूँ, लेकिन हम घर में कोई छोटा मोटा काम तो शुरू कर सकते हैं। डॉली, ये बात मैंने कई बार सोची है। हमारे घर के सामने स्कूल है, और मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि हम छोटा मोटा कोई स्टेशनरी का काम ही शुरू कर ले, जिससे कि हमारे घर खर्च निकल जाए। लेकिन छोटा मोटा स्टेशनरी का काम शुरू करने के लिए भी हमें 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास तो डॉली कुछ भी पैसे नहीं है। हाँ राजीव, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारे घर के सामने स्कूल है, हम घर में अपना छोटा मोटा स्टेशनरी का काम शुरू कर देंगे तो हमारा शायद काम अच्छा भी चल जाए। मैं ऐसा क्यों ना करूं, भैया से 1 लाख रुपए उधार मांग लेती हूँ। जैसे ही हमारी दुकान चल जाएगी, हम भैया को थोड़े थोड़े पैसे उनके वापस लौटा देंगे। डॉली, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है आपके भैया से पैसे मांगना। पता नहीं वो हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे राजीव, मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूँ, और मुसीबत के समय ही तो भाई बहन एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे भैया मेरी जरूर मदद करेंगे, और वैसे भी मेरे भैया को पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं 1 लाख क्या, वो तो मुझे जितने पैसे मांगूंगी उतने दे देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही भैया के घर चली जाती हूँ और उनसे पैसे मांगकर हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। ठीक है डॉली, अच्छा रहेगा अगर आपके भैया हमारी कुछ मदद कर दें। जाओ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों को जाके ले आओ। प्रीति, अब हम दुबई तो घूमने जा रहे हैं। हमें ना वहां से परफ्यूम जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि दुबई का ना परफ्यूम बहुत शानदार होता है। हाँ ये तो है विशाल, मैंने तो यहाँ तक सुना है वहाँ का गोल्ड भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो वहाँ से अपने लिए गोल्ड के कंगन लेके आऊंगी। हाँ हाँ, जो लेना है ले लेना, हम कौन सा दुबई रोज रोज जा रहे हैं। डोरबेल बजिए, देखना कौन है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे डॉली, तुम अचानक से, सब ठीक तो है? हाँ भाभी सब ठीक है। भैया हैं घर पे? हाँ तुम्हारे भैया अंदर ही हैं, आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। तू अचानक से, बहन तू तो जब भी आती है फोन करके आती है, आज क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया वैसे तो सब ठीक ही है, पहले मैं आपको फोन ही करने लगी थी, सोचा फोन पर ही बात कर लेती हूँ, फिर मुझे फोन पर बात करनी ना कुछ ठीक सी नहीं लगी, इसलिए मैं खुद ही आ गई, सोचा मिलकर ही बात कर लेती हूँ। अच्छा, मिलके बात करनी थी, क्या बात करनी थी बता बहन। भैया आपको तो पता ही है हमारे घर के हालात, अब राजीव के पैरों की वजह से राजीव कहीं भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारे घर के खर्चे निकलने अब बड़े मुश्किल हो रहे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग थी अब वो भी ख़त्म हो गई है, तो मैं और राजीव सोच रहे हैं कि घर में छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान खोल लेते हैं। इससे क्या होगा भैया, मैं राजीव का ध्यान भी रख लूँगी और मेरे घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे। और रही बात आपके पैसों की, तो आपके पैसे हम धीरे धीरे लौटा देंगे। भैया बस 1 लाख रुपए की मदद चाहिए आपसे, अगर वो आप 1 लाख रुपए मुझे दे दोगे तो मैं अपना छोटा मोटा काम शुरू कर पाऊंगी। बहन वो बात तो ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू अपनी एक छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान खोल लेगी, लेकिन तू एक बात बता, मैं कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, अब लोग क्या कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे है और बहन घर के अंदर ये छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठी है। बहन अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में तो कुछ सोच। हाँ डॉली, विशाल बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। अब तुम ये बताओ, तुम एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोल लोगी तो मैं अपने मायके में जाके क्या कहूँगी कि मेरी ननद एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाती है,
हमें ना 1 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ये बताओ हमारे स्टेटस का भी तो सवाल है। भाभी आप स्टेटस की बात कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है स्टेटस तो एक टाइम पर हमारा भी बहुत अच्छा था, जब राजीव का एक्सीडेंट नहीं हुआ था हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा लेती है। आज हम भी ये जो छोटी मोटी स्टेशनरी का काम शुरू कर रहे हैं मजबूरी में ही कर रहे हैं। मैं तो इतना जानती हूँ लोगों के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा ही है कि अपना छोटा मोटा काम शुरू कर लिया जाए। रहने दे बहन, मैंने भी दुनिया देखी है। बहन तूने आज तक कोई काम तो किया नहीं है, तुझे इसलिए लग रहा है कि 1 लाख रुपए से तू अपनी दुकान चला लेगी। दुकान चलाने के लिए ना बहुत पैसे चाहिए होते हैं, 1 लाख रुपए में कोई दुकान नहीं चलती है। काम तो तेरा क्या चलेगा, तू ये ना 1 लाख रुपए भी डुबो ही देगी। भाई मैं बहुत उम्मीद से आई थी और मुझे ये भी लगता था कि आप आगे बढ़कर मेरी मदद करोगे और मेरी हिम्मत बनोगे, लेकिन आप दोनों तो मेरी हिम्मत ही तोड़ रहे हो। डॉली हम तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ रहे, हम तो तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। अब राजीव की बात करें तो राजीव तो हो गया अपाइज, अब वो पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहेगा और तुम्हें उसे कमा के खिलाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे अपना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, मेरे चाचा का लड़का है उसका अभी भी डाइवोर्स हुआ है, और तो और मेरी चाची उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, करोड़पति आदमी है, उसके सिर्फ 2 बच्चे संभालने हैं। मैं तो तुम्हें सलाह देती हूँ उस अपाहिज राजीव को छोड़ दो और मेरे चाचा के लड़के से शादी कर लो, राज करोगी राज। बोलो तो मैं अभी बात करती हूँ। भाभी आपको पता भी है आप इतनी देर से क्या बोले जा रहे हो? अरे सही तो कह रही है और तेरे भले के लिए कह रही है, उस अपाहिज के साथ तो पूरी जिंदगी कैसे काटेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीति की बात मान ले। भैया आप भी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। भैया एक जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो अटूट होता है, और सुख दुख में एक दूसरे के साथ भी खड़े रहना चाहिए। आज राजीव पर मुसीबत आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका साथ छोड़ दूँ, मैं मरते दम तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। भाभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, कल को भैया को कुछ हो जाए आप भी भैया को छोड़ दोगे क्या? भैया भाभी अब मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। भैया मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ।